किसान भाइयों नमस्कार। आज का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन पोल्ट्री साइंस। पोल्ट्री साइंस में जो कॉमन टर्म्स होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो चिकन होता है, मुर्गा, उसका साइंटिफिक नेम होता है गैलस डोमेस्टिकस, और जो मुर्गा होता है उसको बोलते हैं, जो मुर्गा चिकन का जो मेल होता है उसको बोलते हैं कॉक, और जो फीमेल होती है उसको बोलते हैं हेन, और जो एग होता है अंडा चिकन का, उसका जो एग वेट होता है वो होता है 58 ग्राम, और जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है चिकन के एग का वो होता है 21 डेज, और जो यंग वन ऑफ चिकन जो होता है उसको बोलते हैं चिक। और इन जनरल जो अंडे का वेट होता है उसका उसके 70% जो होता है वो चूजे का वेट होता है। उसके बाद डक, डक का जो साइंटिफिक नेम है वो है एनस फ्लैटरिंगस। जो मेल डक होता है, मेल डक को बोलते हैं ड्रेक, और जो फीमेल डक होता है उसको डक बोलते हैं, और जो यंग वन ऑफ डक होता है उसको बोलते हैं डकलिंग, और जो एग वेट ऑफ डक होता है वो होता है 72 ग्राम, और इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है डक के अंडे का वो होता है 28 डेज। उसके बाद मस्कोवी डक, मस्कोवी डक का साइंटिफिक नेम जो है वो है कैरिना मॉस्कोटा। इसमें मेल जो होता है ये जनरली डबल द वेट ऑफ द फीमेल होता है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 35 डेज। और इसकी खासियत ये होती है मस्कुलर डक की, जब ये नॉर्मल डक के साथ क्रॉस करते हैं तो जो आने वाले जो बच्चे होते हैं वो स्टराइल पैदा होते हैं। उसके बाद जापानी क्वेल, दो टाइप, वैसे दो तीन टाइप की क्वेल मिलती है, लेकिन हमें जो देखनी है वो जापानी क्वेल और बॉबोइट क्वेल के बारे में देखना है। तो यहाँ पे जो दिख रही है ये जापानी क्वेल है, साइंटिफिक नेम ऑफ जापानीज क्वेल इज कॉटोनिक्स कॉटोनिक्स जापोनिका। इसमें देखिए यहाँ पे जो मेल होता है वो, इसकी जो चेस्ट होती है ये ब्राउनिश कलर की होती है, और जो फीमेल की चेस्ट है वो स्पॉटेड होती है, ब्लैक स्पॉट उसमें दिखते हैं, तो इससे पता चल जाता है मेल और फीमेल। और उसके बाद जो एग है, एग भी स्पॉटेड दिखते हैं, और जो चूजा होता है वो सिर्फ 7 ग्राम का होता है, और इसका जो अंडे का वेट होता है वो होता है 10 ग्राम। उसके बाद बॉबोइट क्वेल, बॉबोइट क्वेल का साइंटिफिक नेम है पोलिनस वर्जिनियानस, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 21 डेज होता है। उसके बाद टर्की, टर्की का जो साइंटिफिक नेम है वो है मेलियाग्रिस गैलोपावा, और जो मेल टर्की होता है उसको बोलते हैं टॉम, और जो चूजा होता है टर्की का उसको बोलते हैं पोल्ट। या हम देख रहे हैं जो टर्की का चूजा है उसके इन बिटवीन टू आईज एक प्रोट्यूबरेंस हमें दिखता है जिसको स्नूट बोलते हैं, जो कि डे वर्ल्ड में भी प्रेजेंट होता है, और उसी के भरोसे हमें मुर्गे का चूजा और पोल्ट्री पोल्ट जो टर्की का चूजा है उसमें डिफरेंस पता चलता है। और जो वेट, एग वेट है टर्की का वो होता है 85 ग्राम, और इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 28 डेज। उसके बाद गिनी फाउल, गिनी फाउल का जो साइंटिफिक नेम है वो है न्यूमिडी मिलाग्रिस। इसका जो चूजा होता है उसका उसको बोलते हैं किट, KEET, और जो एग वेट होता है वो होता है करीबन 45 ग्राम, और इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 28 डेज होता है। और इस बर्ड की खासियत ये होती है कि इसके जो हेड होता है उसके ऊपर हेलमेट प्रेजेंट होता है। उसके बाद गूस, गूस का साइंटिफिक नेम है आंसर आंसर, और इसको जो मेल होता है उसको बोलते हैं गैंडर, जो फीमेल होता है उसको गीज बोलते हैं, और जो यंग वन होता है उसको बोलते हैं गुजलिंग, और जो एग वेट होता है वो होता है
225 ग्राम, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है अंडे का वो होता है 28 to 35 के बीच में रेंज होती है। अलग अलग स्पेसिस जो गूज होती है ब्रीड्स उसमें अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड दिखाई देता है। और जो हाउस जो साउंड प्रोड्यूस करता है गूज उसको बोलते हैं हॉकिंग। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। साउंड प्रोड्यूस ऑफ गीज साउंड प्रोड्यूस बाय गीज इज कॉल्ड हॉकिंग HONKING। देन इमू, इमू का जो साइंटिफिक नेम है वो है डोमोडस नोवेलेंडी, और इसका जो एग होता है वो करीबन 500 ग्राम का होता है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है इमू के अंडे का वो होता है 52 days। उसके बाद ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो साइंटिफिक नेम है श्रुतियो क्यूमुलस है, और ऑस्ट्रिच का जो अंडे का वेट होता है वो होता है 1.5 kg। इसकी ऑस्ट्रिच की खासियत ये होती है कि उसकी जो लेग होते हैं उसमें 2 toes प्रेजेंट होते हैं, और जो इमू था इमू के लेग जो 1 leg होता है उसमें 3 toes प्रेजेंट होते हैं। जो ऑस्ट्रिच होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा अंडा पैदा करता है 1.5 kg का। उसके बाद पिजन, पिजन में जो साइंटिफिक नेम है पिजन का वो है कोलम्बोलिविया, और जो पिजन का जो बच्चा होता है यंग वन होता है उसको स्क्वैब बोलते हैं SQAB, और इसका जो घर होता है हाउस ऑफ पिजन इज कॉल्ड लॉफ्ट LOFT। और इसका जो अंडा होता है ये करीबन 14 ग्राम का होता है, और जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो करीबन 17 डेज होता है। और पिजन का जो बच्चा होता है जब पैदा होता है तो उसकी आंखें बंद रहती हैं। तो ये लिस्ट है हमारे पास साइंटिफिक नेम ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। जैसे रेड जंगल फाउल होता है उसको रेड जंगल फाउल का साइंटिफिक नेम है गैलस गैलस। चिकन का साइंटिफिक नेम है गैलस डोमेस्टिकस। डक का साइंटिफिक नेम है एनस प्लेटरिंकस। मस्कोवी डक का साइंटिफिक नेम है कैरिना मॉस्कोटा। टर्की का साइंटिफिक नेम है मेलाग्रिस गैलोपाओ। गूस का साइंटिफिक नेम है एंसर एंसर। जापानीज क्वेल का साइंटिफिक नेम है कॉटरनिक्स कॉटरनिक जापोनिका। बॉबवाइट क्वेल का साइंटिफिक नेम है कोलिनस वर्जिनियानस। गिनी फॉल का साइंटिफिक नेम है न्यूमिडी मेलाग्रिस। पी फॉल का साइंटिफिक नेम है पाओ क्रिस्टेटस। पिजन का साइंटिफिक नेम है कोलम्बोलिविया। ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम है श्रुतियो क्यूमुलस, और इमू का साइंटिफिक नेम है ड्रोमेडियस नोवेलेंडी। उसके बाद एग वेट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। जो क्वेल का एग वेट होता है वो 10 ग्राम होता है। पिजन का जो एग वेट होता है 14 ग्राम होता है। गिनी फॉल का एग वेट 45 ग्राम होता है। चिकन का एग वेट 58 ग्राम होता है। डक का एग वेट 72 ग्राम होता है। टर्की का एग वेट 85 ग्राम होता है। गूस का एग वेट 225 ग्राम होता है। इमू का एग वेट 500 ग्राम होता है। एंड ऑस्ट्रिच का जो एग वेट होता है वो होता है 1.5 kg और 1500 ग्राम्स। तो इसमें जो क्वेल है वो सबसे छोटा अंडा देती है 10 ग्राम का, और जो सबसे बड़ा अंडा होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है 1.5 kg का। देन कॉमन टर्म्स यूज इन डिफरेंट बर्ड्स। जैसे मेल चिकन उसको कॉक बोलते हैं, फीमेल चिकन को हेन बोलते हैं, यंग वन ऑफ चिकन इज कॉल्ड चिक। जो गिनी फाउल का जो यंग वन होता है उसको किड बोलते हैं, KEET किड। जो मेल टर्की होता है उसको टॉम बोलते हैं, TOM टॉम। यंग वन ऑफ टर्की इज कॉल्ड पोल्ट, POULT पोल्ट। मेल गूज जो होता है उसको गैंडर बोलते हैं, और फीमेल गूज को समटाइम्स डेम बोलते हैं, DAME। एंड यंग वन ऑफ गूज इज कॉल्ड गूजलिंग, GOSLING। ये इंपॉर्टेंट है, द ग्रुप ऑफ गीज इज कॉल्ड गैगल, GAGGLE। एंड साउंड प्रोड्यूस बाय गूज इज कॉल्ड हॉकिंग। यंग वन ऑफ पिजन इज कॉल्ड स्क्वैब। मेल डक इज कॉल्ड ड्रेक। फीमेल डक इज कॉल्ड डक। एंड यंग वन ऑफ डक इज कॉल्ड डकलिंग। देन पिजन, जो पिजन का जो हाउस होता है उसको बोलते हैं लॉफ्ट, LOFT लॉफ्ट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सर्जिकली कैस्टेटेड मेल चिकन
is called capon. Remove of comb is called dubbing. Male chicken sound is called crow and female chicken sound is called crackle. उसके बाद कॉमन टर्म्स यूज इन डिफरेंट बर्ड्स, जैसे अडल्ट मेल इन केस ऑफ चिकन इज कॉल्ड कॉक, इन केस ऑफ डक इज कॉल्ड डक, इसको ड्रेक बोलते हैं, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, अडल्ट मेल इज कॉल्ड ड्रेक एंड अडल्ट फीमेल इज डक, ये थोड़ा आगे पीछे हुआ है. देन मेल टर्की इज कॉल्ड टॉम एंड फीमेल टर्की इज कॉल्ड हेन. जो गीस जो मेल होता है उसको गैंडर बोलते हैं और जो फीमेल उसको गूजी बोलते हैं, गूज गीस. मेल का जो मेल होता है वो मेल क्वेल और फीमेल क्वेल बोलते हैं. देन हैच जो यंग वन होता है उसको बोलते हैं पुलेट. चीक, इनके जो चीक डेवल होता है उसको चीक बोलते हैं, इनके सब चिकन. डक में डकलिंग बोलते हैं, टर्की में पोल्ड बोलते हैं, और गीज में गुजलिंग बोलते हैं, और क्वेल में चिक बोलते हैं. जो ग्रुप ऑफ चिकन इज कॉल्ड फ्लॉक, ये इंपॉर्टेंट है. ग्रुप ऑफ डक इज कॉल्ड बैंड. ग्रुप ऑफ टर्की इज कॉल्ड फ्लॉक. ग्रुप ऑफ गीज इज कॉल्ड गैगल एंड ग्रुप ऑफ क्वेल इज कॉल्ड कनवे कोवे. द साउंड प्रोड्यूस बाय द मेल चिकन इज कॉल्ड क्रो एंड फीमेल चिकन इज कॉल्ड कैकल. Sound produced by male duck is called belch and sound produced by duck is called whimper. Then sound produced by turkey is called gobbling. Sound produced by geese is called honking and male quail is called sing and the female chicken is called call. The incubation period of different types of birds, the pigeon is 17 days, quail egg is 18 days. Bobbed quail 21 days, chicken egg incubation period is 21 days, duck egg is 28 days, turkey egg is 28 days, guinea fowl is 28 days, muscovite duck is 35 days, goose is called 28 to 35 days, ostrich is 42 days, emu is 52 days. तो मैंने जो कहा था इसमें adult डक का जो है वो आगे पीछे हुआ है, वो प्लीज देख लेना, गलती ना हो जाए आपसे भी. अडल्ट मेल इज कॉल्ड ड्रेक एंड अडल्ट फीमेल इज कॉल्ड डक. ये थोड़ा मिस्टेक है पीपीटी बनाने में, तो आप लोग प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा. देन कलर ऑफ एग्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स. क्वेल एग्स का जो कलर होता है जापानीज क्वेल का, वो होता है डार्क ब्राउन, ब्लू एंड व्हाइट एंड ईच इज हेविली मोल्टेड विद ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट. पिजन का जो अंडा होता है ये जनरली व्हाइट कलर का होता है. चिकन का अंडा जो होता है व्हाइट और ब्राउन एंड समटाइम्स ब्लू कलर का भी हो सकता है. गिनी फॉल का जो अंडा होता है ये जनरली ब्राउन कलर का होता है. डक का अंडा व्हाइट कलर का होता है लेकिन समटाइम्स वो ब्लूइश कलर का होता है कुछ कुछ स्पेसिस में, बर्ड्स ब्रीड में. टर्की का जो अंडा होता है वो होता है क्रीमी व्हाइट विद ब्राउन स्पॉट. गूस का जो अंडा होता है वो व्हाइट कलर का होता है. ईमू का जो अंडा होता है ये डार्क ग्रीन कलर का होता है और ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है एक क्रीमी व्हाइट कलर होता है. देन लॉन्ग फॉर्म, जो CARI है, CARI का लॉन्ग फॉर्म होता है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट. NECC का जो लॉन्ग फॉर्म है नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. CARI और NECC का लॉन्ग फॉर्म. उसके बाद NAFED का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन. नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है. उसके बाद CPDO, जो CPDO होता है उसका है सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. जो हमारा यहाँ पे जो CPDO है नॉर्थ ईस्टर्न का, वो चंडीगढ़ में. देन FCR फीड कन्वर्शन रेशो, इसका फीड कन्वर्शन मतलब कितना खाना खाया और उसका मीट कितना बना. देन फीड एफिशिएंसी. थैंक यू वेरी मच. और जो एक मिस्टेक मैंने पहले बताई थी ड्रेक और डक में, वो प्लीज कंसिडर. थैंक यू.